हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे साथ में खड़ी है एक्सट्रीम 125 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है, 1x1 करके जो है सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। सो गाइज, ये जो सीसी है आपको जो देखने के लिए मिलती है इसके अंदर 125 सीसी है ये। कंप्लीट ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे लिख के आ रही होगी इसकी ऑन रोड प्राइस। तीन कलर ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्लैक है, ब्लू है और आपको एक कलर ऑप्शन और देखने के लिए मिलता है और आपको रेड कलर ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट से बात करूँ तो फ्रंट में आपको जो है 17 इंच अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कंप्लीट 90x90 सेक्शंस के टायर्स के साथ में। सिंगल चैनल आपको जो है इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट के अंदर। यहाँ पे ABS जो है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम कम्प्लीटली। यहाँ पे 17 इंच अलॉय व्हील 90x90 सेक्शंस के टायर्स के साथ में। फ्रंट के अंदर आपको जो है कुछ फाइबर का मड गार्ड देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली। और यहाँ पे जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है आपको 4.5 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है बायबर्स के कैलिबर्स के साथ में। फ्रंट के अंदर जो है आपको कुछ ऐसा ट्रांसफार्मर टाइप लुक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे मेन हेडलैम्प। यहाँ पे जो है आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे आपको बीच में जो है कम्प्लीट यहाँ पे आपको 3D लोगो देखने के लिए मिलता है हीरो का। यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसा मीटर देखने के लिए मिल जाता है एकदम कॉम्पैक्ट सा छोटा सा। और मिरर्स की बात करूँ तो मिरर्स भी काफ़ी ठीक क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी के एकदम बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपको हज़ार लाइट इसके अंदर प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे किल स्विच वगैरह स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। यहाँ पे जो है 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। एक्सट्रीम की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको 125R की जो है ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। यहाँ पे जो है आपको अगेन एक्सट्रीम की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जो है स्प्लिट EBT की आपको कंप्लीट ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। सबसे मेन चीज़ की बात है वो है इसका इंजन। सो आपको इंजन जो है इसके अंदर 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है विद 5-speed गेयरबॉक्स 1-down। बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली ऐसा कुछ। और यहाँ पर जो है आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको 5-speed गेयरबॉक्स देखने के लिए मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ में। 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हो। यहाँ पे जो है इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के आप इसको चला सकते हो और ये सपोर्ट करती है इथेनॉल 20 पेट्रोल। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट्स देखने के लिए मिल जाती है कम्प्लीटली ऐसी कुछ। और यहाँ पे जो सीट्स की कुशनिंग है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको देखने के लिए मिल जाती है पीछे आगे दोनों तरफ जो है। यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे कुछ आपको ग्रैब ग्रिल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करूँ आपको फुटरेस्ट की तो फुटरेस्ट आपको फ्रंट वाला जो काफ़ी जो है ठीक देखने के लिए मिल जाता है। मतलब इस पर रबर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से लगा रखे हैं बट यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल सा फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली। पीछे से बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है एक हल्का सा मतलब एक छोटा सा ना पार्ट लगा रखा है उससे काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी देखने में। यहाँ पे जो है आपको एक सेफ्टी के हिसाब से भी लगा रखा है व्हील कवर जो है जिससे आपका मतलब कोई भी अगर लेडीज़ वगैरह बैठे साड़ी दुपट्टा वगैरह XYZ कुछ भी यहाँ पे आके फंस ना जाए गाड़ी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ लगी वैसे सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी ठीक चीज़ है। यहाँ पे पीछे भी आपको जो है 17 इंच अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है 120x80 सेक्शंस के टायर्स के साथ में। पीछे से बात करूँ तो पीछे आपको ऐसा कुछ हगड़ देखने के लिए मिल जाएगा। उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे ओवरऑल जो गाड़ी की क्वालिटी है ना यार वो काफ़ी अच्छी रखी गई है हीरो में, ठीक है। ये बात मैंने देखी है कम्प्लीट जो है बाइक शार्प लुक्स के साथ में आपको देखने के लिए मिलती है। पीछे भी आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपको ऐसे कुछ बैकलाइट देखने के लिए मिलती है। एग्जॉस्ट नोट की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको एग्जॉस्ट नोट देखने के लिए मिल जाता है पीछे। अगेन यहाँ पे आपको फाइबर के क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे भी फाइबर है, यहाँ पे भी फाइबर, यहाँ पे भी फाइबर, यहाँ पे भी फाइबर, कंप्लीट लगभग जो है फाइबर आपको देखने के लिए मिलता है। किक स्टार्ट गाड़ी है, किक स्टार्ट से भी आप स्टार्ट करके जा सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपकी बैटरी वगैरह डिस हो जाती है इमरजेंसी के अंदर, बट यहाँ पे एक चीज़ है भाई, आप अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बैटरी नहीं लगवाते हो सॉरी तो गाड़ी के अंदर जो है मिसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी के अंदर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ पे जो इशू है कम्प्लीटली जो ऑपरेट होती है वो बैटरी से ही ऑपरेट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे आपको अगेन फुटेज देखने के लिए मिल जाते हैं और कुछ ऐसे आपको बैक एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे कंप्लीट जो गाड़ी है आपको नवरात्रि ऑफर्स वगैरह अभी आने वाले हैं कुछ टाइम में, तो आपको 4 से 5 हज़ार समथिंग कुछ आपको जो है इसके अंदर ऑफ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अभी बुकिंग फ़ीस जो है वो इसकी कम्प्लीटली माफ़ कर रखी है, ठीक है। 1000 रुपये इसकी बुकिंग फ़ीस होती है, वो इसके अंदर कम्प्लीटली रिलैक्सेशन दे रखा है अभी। बाकी और भी इसके अंदर आपको ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगे थोड़े समय के बाद में। अभी नए नए जो है ऑफर्स कंपनी लॉन्च कर रही है, नवरात्रा कल से स्टार्ट हो जाएंगे, सो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से 4 से 5 हज़ार आपको जो है इसके अंदर कम्प्लीटली रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा।
अभी बात करते हैं इसके माइलेज की। तो आपको इसके अंदर माइलेज 55 टू 60 kmpl तक का देखने के लिए मिल जाता है। टॉप स्पीड आपको इसकी 110 115 देखने के लिए मिलेगी। 125 cc का इंजन है, क्योंकि ज़्यादा टॉप स्पीड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट माइलेज आपको 55 से 60 का देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप अच्छे से चलाते हो तो। अगर आप ज़्यादा रश चलाओगे तो फिर आपको जो है माइलेज थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कंप्लीट माइलेज वगैरह। और आगे आपको जो है ABS देखने के लिए मिल जाता है 3.5 mm के डिस्प्ले के साथ में। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं नॉर्मल। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको पीछे वाले ड्रम ब्रेक्स। सो ऐसे कुछ आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं पीछे नॉर्मल। बाकी यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम जो है वो भी खड़ी है 160, इसका भी रिव्यू जल्दी आने वाला होगा। सो ऐसा कुछ आपको जो है गाड़ी देखने के लिए मिलती है कम्प्लीटली। मैंने स्पेसिफिकेशन वगैरह बता दिए 5 मिनट के अंदर अंदर, शॉर्ट क्विक रिव्यू कर दिया है इसका एक छोटा सा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे बाय वीडियो, इसलिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके आप कोई भी सजेशन हो तो वो दे देना, ठीक है। टिल देन स्टे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।